एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो हमारे जो अलग अलग रीजन्स होते हैं, सब में अलग अलग तरीके के कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं। हमारे जो काम करने के तरीके होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स, हमारी लैंग्वेज, सब बहुत ज़्यादा अलग होती हैं और वो रीजन टू रीजन वेरी करती हैं। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। तो सबसे जो कॉमन तरीका होता है कि हम लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, वो होता है कि वो किस तरीके की भाषा बोलते हैं। व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और एन उड़िया, दिस यूजुअली मीन्स दैट ही और शी स्पीक तमिल और उड़िया एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा। तो जनरली हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये पर्सन तमिल है, या फिर ये पर्सन उड़िया है, या फिर ये हरियाणवी। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी की सारी भाषाएं हैं। लैंग्वेज के आधार पर हम लोग कहते हैं कि अच्छा, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। और हर जगह की अपने अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग खाना होता है, अलग अलग कपड़े पहनने के तरीके होते हैं। वहाँ के पोएम्स, डांस, गाने, पेंटिंग सब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा से चलती आ रही हैं, इनमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ होगा, या ये वहीं पर मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा, ऐसा ही होता होगा बस। However, the frontiers separating regions have evolved over time. देखिए, frontiers का मतलब होता है borders, किनारे। ये जो चीज़ें होती हैं ना, कि वहाँ की भाषा ऐसी होगी, वहाँ का खाना ऐसा होगा या डांस ऐसा होगा, ये समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बदलता जाता है। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processing of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. आज जो हम लोग कहते हैं ना कि ये रीजन इससे अलग है, टाइम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बदला भी है, कॉम्प्लेक्स हुआ है, इंटरमिक्सिंग हुई है। जैसे कि अगर आज के ज़माने की आप लोग बात करें, आपको दिल्ली, हमारे देश की कैपिटल है, वहाँ पे पूरे देश से लोग मिल जाएंगे, तो उनका अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर कहाँ रहा है, सबका कल्चर मिक्स हो गया है। जैसे कि मान लीजिए हिमाचल के लोग अगर जाकर के बस रहे हैं तमिलनाडु में, तो वो अपना कल्चर लेकर के जाएंगे, तो हो सकता है तमिलनाडु के लोग उस कल्चर को काफ़ी फॉलो करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से हमारा कल्चर जो है ना, वो इंटरमिक्सिंग से बना है। विदेशों से हमारे देश में हज़ारों सालों से लोग आते रहे हैं, उनका कल्चर भी हमने काफ़ी हद तक अपनाया है, उन्होंने हमारा अपनाया है। तो इस तरीके से कल्चरल इंटरमिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। As we will see, some traditions appear specific to some regions. तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ तरीके, कुछ काम करने के तरीके किसी पर्टिकुलर इलाके तक ही सीमित होते हैं। Others seem to be similar across regions. और कुछ तरीके होते हैं जो हर जगह एक जैसे होते हैं। Yet others derive from older practices in a particular area, but take a new form in other regions. तो एक चीज़ जो है, मान लीजिए एक तरीके की पेंटिंग है, तो एक इलाके में वहाँ पर सिर्फ सपोज़ के लिए 3 ही कलर इस्तेमाल करते हूँ, बट वो पेंटिंग आगे बढ़ते बढ़ते किसी दूसरे रीजन में पहुँच गए, तो वो अलग तरीके से वहाँ उसमें हो सकता है 7 कलर्स का इस्तेमाल करने लगा हो। अब खाने की बात करें, जैसे कि डोसा है, डोसा जो है साउथ में, कभी भी डोसा में पनीर नहीं होता था, पनीर तो एक पंजाबी डिश है, तो डोसा नॉर्थ इंडिया में आया, तो उसमें हम लोग ने पनीर मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारा कल्चर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बदलता रहता है रीजन के हिसाब से। अब आगे देखते हैं, द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम भाषा कहाँ की है, केरला वाले रीजन में मलयालम बोली जाती है, और वहाँ के जो किंग्स थे वो थे चेरास। तो चेरास ने किस तरीके से हेल्प करी मलयालम के डेवलपमेंट में, उसको बढ़ाने में। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी भाषा का किसी इलाके से किस तरीके से रिलेशन होता है, संबंध होता है, और वो कैसे उस पर प्रभाव डालती है। चेरा किंगडम ऑफ Mahodiapuram was established in the 9th century in the southwestern part of peninsula, part of present-day Karnataka. So, the Chera kingdom of Mahodiapuram was established in 9th century. तो 9th century में ये जो चेरा किंगडम है ना, ये establish हुई थी कहाँ पर, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न पार्ट का मतलब है, ये देखिए, ये पेनिनसुला। पेनिनसुला ऐसा रीजन होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है। तो मतलब इंडिया पूरा पेनिनसुला है, 3 तरफ से इंडिया क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला केरला वाला जो मेनली रीजन है, प्रेजेंट डे केरला, वो वहाँ पर क्या है,
ये वाला जो किंगडम है ना, चेरा किंगडम, एक तरह से स्टार्ट हुआ था। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया, इस वाले इलाके में मलयालम बोली जाती थी। रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। तो उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, जिसमें इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ें होती हैं जो आप लिखते हैं, तो यहाँ के जो किंग्स थे जो चीज़ें लिखवाया करते थे वो मलयालम भाषा में लिखवाया करते थे। In fact, this is one of the earliest example of the use of regional language in official records in the subcontinent. Subcontinent यानी कि इंडिया वाला जो पूरा रीजन है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब आ जाता है। तो ये 9th century में हम पहली बार देखते हैं कि किसी राजा ने एक रीजनल लोकल लैंग्वेज अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाई थी, नहीं तो सब लोग वो संस्कृत वगैरह ये सब लिखवाया करते थे। अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन कंपोज इन मलयालम, मलयालम में ये लिखी गई थी। एट द सेम टाइम द चेरा ऑल्सो ड्र्यू अपन संस्कृतिक ट्रेडिशंस। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत एपिक्स। तो जो उस समय का केरला वाले रीजन में, चेरा किंगडम में जो वो थे ना, प्लेज होते हैं, ड्रामा वगैरह होते हैं, वो जो संस्कृत में जो ड्रामा लिखे गए थे ना, उनको प्ले किया जाता था। The first literary work in Malayalam dated to about the 12th century are directly indebted to Sanskrit. तो संस्कृत से बहुत सारी चीज़ें उसमें ली गई थी जो वो प्लेज या फिर नॉवल्स वगैरह लिखते थे। Interestingly enough, a 14th century text लीला तिलकम dealing with grammar and poetics was composed in Mani Pravalam literally diamonds and corals referring to the two languages Sanskrit and the regional language. तो ये जो लीला तिलकम है ना, ये इसमें संस्कृत भाषा के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है और अपनी मलयालम के बारे में भी काफ़ी कुछ, मतलब मलयालम और संस्कृत दोनों के एलिमेंट्स हमें इसमें लीला तिलकम में देखने को मिलते हैं। लीला तिलकम का मतलब होता है डायमंड्स एंड द कोरल्स। डायमंड्स तो आपको पता है हीरा, और कोरल्स देखिए कुछ जानवर होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है ना तो उनका जो स्कल होता है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक जानवर भरा उसके ऊपर, फिर दूसरा जानवर भर गया तो उसका स्कल भी चढ़ गया, तो ऐसे कोरल्स बन जाते हैं बहुत सारे। इस तरीके से आइलैंड्स भी बन जाते हैं। अगर आप लोगों को बताए कोरल आइलैंड का एग्जाम्पल हमारे देश में, इंडिया में, तो बताइएगा कमेंट में। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। तो कल्ट क्या होता है, जगन्नाथ कल्ट क्या है, वहाँ के राजा, रिलीजन, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कल्ट होता है, जैसे कि वैष्णव कल्ट आप कह सकते हैं, कि काफ़ी सारे लोग मिल करके एक भगवान की या एक चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, वही एक तरह से कल्ट हमारा हो जाता है। तो देखिए इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, द नेम ऑफ विष्णु। तो विष्णु को ही, विष्णु भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, और जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, पुरी में, उड़ीसा में। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी। तो आज तक भी जो वहाँ के ट्राइबल के इलाके में रहने वाले लोग हैं वो भगवान की लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं। विच सजेस्ट दैट द डेटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। तो जगन्नाथ कोई लोकल गॉड थे जिनको लोग पूजते थे, और फिर बाद में उनको विष्णु के रूप में पूजा जाने लगा। In 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Anant Varman, decided to erect a temple at Purushottama, Jagannath at Puri. तो जगन्नाथ पुरी में, किसने, जो गंगा डायनेस्टी थी, एक गंगा साम्राज्य आप मान लीजिए, वह उनके एक रूलर थे अनंत वर्मन, उन्होंने ये जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंग भीम III decided dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. तो 1230 में एक किंग थे जिनका नाम था अनंग भीम III, उन्होंने मतलब पूरी अपना जो राज्य है वो भगवान को एक तरह से अर्पित कर दिया था, और कहा था कि मैं भगवान के नाम पर राज्य कर रहा हूँ, उनका डिप्यूटी हूँ, भगवान के अंडर हूँ। एज टेम्पल गेंड इम्पोर्टेंस, जगन्नाथपुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रमेज, पिलग्रमेज तीर्थ यात्रा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेंटर बन गया। Its authority in social and political matters also increased. तो काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे, तो समाज में और पॉलिटिक्स में भी राजा के लिए भी ये मंदिर और एक सेंटर सा बन गया ये मंदिर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, हर चीज़, हर कोई इंपॉर्टेंट काम जो होता था वो यहीं पर हुआ, एक तरह से होने लगा था। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड उड़ीसा सच एज मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। तो चाहे मुगल हो, मराठे हो, या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ हो, सब ने यही कोशिश करी कि इस मंदिर पर हमारा कंट्रोल हो जाए। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल।
तो उन्हें लगा अगर हम इस मंदिर को कंट्रोल करेंगे ना तो जो लोकल लोग हैं वो हमारे रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे। अब आता है द राजपूत एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। तो राजपूत आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा, सर कटा देंगे, झुकेंगे नहीं, इस टाइप की बातें करते हैं। तो मतलब हाँ, इसी टाइप की बातें दिखाई जाती है ना, तो वही बता दिया मैंने आपको, बुरा मत मानना किसी को, है ना। तो इन 19th सेंचुरी द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वॉज कॉल्ड द राजपुताना बाय द ब्रिटिश। तो राजस्थान वाला जो रीजन था ना, उसको पूरे को राजपुताना कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। वाइल दिस मे सजेस्ट दैट दिस वॉज एन एरिया दैट वॉज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय द राजपूत। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ राजपूत यहाँ पे रहते हैं, दिस इज़ ओनली पार्टली ट्रू है, मतलब पूरी तरीके से सच नहीं है। देयर वर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज राजपूत इन मेनी एरियाज ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। काफ़ी सारे लोग हैं जो खुद को राजपूत आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि माई नेम इज़ मेरा नाम शिवानी चौहान है। तो वैसे तो आई लिटरली डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, और ये चीज़ बहुत हद तक शायद सही नहीं भी है, बट अगर जैसे कि राजपूत है तो जो चौहान होते हैं वो भी राजपूत ही होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ राजस्थान में हो, वो इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में देखने को आप मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स देर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हो लिव इन राजस्थान। राजस्थान में राजपूत के अलावा भी काफ़ी लोग रहते हैं। हाउएवर राजपूत आर ऑफन recognized as contributed to the distinctive culture of Rajasthan। तो राजस्थान का जो अलग सा कल्चर है ना, उसके श्रेय राजपूतों को दिया जा सकता है। These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of the rulers। तो जो रूलर्स जिस तरीके के उनके आइडियल्स थे, जैसे उनकी सोच थी और जैसे वो चीज़ें करना चाहते थे, उसको काफ़ी ज़्यादा झलक मिलती है हमें राजस्थान के कल्चर में। From about 8th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। तो काफ़ी प्रेजेंट डे भी आज भी वहाँ पर प्रिंसेस वगैरह काफ़ी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मान लीजिए होते हैं, मतलब थोड़े प्रिंसेस वगैरह, जैसे कि राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, वो भी एक राजपूत रूलर थे। दीज रूलर्स चेरिश द आइडियल ऑफ हीरो हु फॉट वेलियंटली, मतलब बहुत ही बहादुरी के साथ ये लोग लड़ा करते थे। अफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटल फील्ड रादर देन फेस रिफीट। तो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब सर कटा देंगे मगर झुकेंगे नहीं। तो हम लोग इसमें मतलब राजपूतों के लिए यही फेमस है कि बैटल फील्ड में हार नहीं मानेंगे चाहे मर जाएंगे। तो यही है इसमें। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स विच वर रिसाइटेड स्पेशली ट्रेंड मिनिस्ट्रल्स। तो काफ़ी सारे लोग जो ट्रेंड होते हैं वहाँ पे, आप लोग जैसे कि आमेर फोर्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे होते हैं वो तबला और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के बैठे रहते हैं और काफ़ी स्टोरीज सुनाते रहते हैं सॉन्ग की फॉर्म में। आप गए होंगे तो आपने शायद ज़रूर देखा होगा, और नहीं गए होंगे तो जाइएगा ज़रूर, बहुत सुंदर है। दीज प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। तो काफ़ी सारी जो पुराने हीरोज रहे हैं उनकी मेमोरीज़ को याद दिलाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि आगे भी लोग उनके हीरोइक जो चीज़ें उन्होंने करी हैं ऐसे कुछ दूसरे लोग भी बड़े काम करें। ऑर्डनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई दीज स्टोरीज विच ऑफन डिफिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो काफ़ी ड्रामा वाली स्टोरीज होती हैं, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि ईमानदारी, दोस्ती, लव, वेलर, एंगर, मतलब दोस्ती निभाएंगे तो पूरी तरह से निभाएंगे, प्यार करेंगे तो पूरे ढंग से करेंगे, वेलर मतलब पूरा होता है ना जोश के साथ और बहादुरी के साथ जंग में लड़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज, क्या वुमेन को इसमें दर्जा मिलता है? समटाइम्स दे फिगर एज द कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, कई बार औरतों की वजह से ही लड़ाई होती है। पद्मावत है ना, यही बताया गया उसमें। तो एज मैन फॉट विद वन अनदर टू ईदर टू विन और प्रोटेक्ट वुमेन, या तो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर वुमेन को जीतने के लिए उनसे मतलब काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को हमें मिलती हैं। वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। वुमेन को भी दिखाया गया है कि अपने जो हस्बैंड है उनको जिंदगी में भी और मरने के बाद भी उनका साथ देती हैं, जौहर वगैरह है ना काफ़ी है। तो देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन ऑफ विडो ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ देयर हस्बैंड, मतलब हस्बैंड की चिता में जिंदा औरत कूद जाती है जो जौहर या सती कहते हैं जिसको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान से रिलेटेड करके मतलब रिलेट करके दिखाया जाता है। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल्स अफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स। तो वही है कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो वो भी उसमें आग में कूद के अपनी जान दे देती हैं। अब आता है आगे, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। तो कथक की कहानी, कथक कहाँ से आया है और रीजनल फ्रंटियर्स मतलब सिर्फ इलाकों इलाकों की बात नहीं, उससे आगे की बात है ये।
तो देखिए, इफ हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स द सेम इज ट्रू ऑफ डांस. तो अलग अलग ट्रेडिशंस भी हमें अलग अलग इलाकों में दिखते हैं, तो अलग अलग डांस भी दिखते हैं. लेट अस नो कथक की कहानी देखते हैं. तो आजकल नॉर्थ इंडिया से काफ़ी एसोसिएट करते हैं. कथक का मतलब होता है इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी. तो कथा मतलब कथक में ना जो कथक डांसर्स होते हैं ना, वो एक स्टोरी भी सुनाते हैं, मतलब उनके डांस में ही स्टोरी होती है. कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स. कथक जो है वो स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वालों की कास्ट हुआ करती थी, जो कि इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में वो लोग कहानियाँ सुनाया करते थे. हु एम्बेलिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स, मतलब सॉन्ग्स से और थोड़ा नाटक कर करके वो कहानियाँ सुनाते थे. कथक बिगेन इवॉल्विंग इंटू अ डिस्टिंग मोड ऑफ डांस इन 15th एंड 16th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट. तो भक्ति मूवमेंट जैसे जैसे फैला, कथक भी उसके साथ काफ़ी प्रॉस्पर हुआ 15th एंड 16th सेंचुरी में. लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण वर एनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला विच कम्बाइंड फोक डांस विद द बेसिक जेस्चर्स ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स. तो उस कथक की जो स्टोरी होती है ना, उसमें राधा कृष्ण की काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हमें देखने को भी मिलती हैं. अंडर मुगल एम्परर्स एंड देयर नोबल्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन कोर्ट वेयर इट एक्वायर्ड इज प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप्ड इन टू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल. तो जो मुगल एम्परर्स और उनके नोबल्स, तो मुगल राजा और उनके जो दरबारी होते थे ना, उनके कोर्ट्स में ना कथक बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था. और आज भी हम लोग देखते हैं जो नवाब्स और उसके साथ ही रिलेट करके कथक को दिखाया जाता है, और वहीं पर यह काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हुआ. सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इन टू टू ट्रेडिशंस और घराना. तो दो घराने इसके बन गए, एक वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन द लखनऊ. तो एक लखनऊ घराना और एक जयपुर घराना. अंडर द पेट्रोनेट ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध. तो आखिरी नवाब जो थे अवध के, वाजिद अली शाह, उन्होंने भी काफ़ी इसको प्रमोट किया था. इट ग्रो इन टू अ मेजर आर्ट फॉर्म. बाई द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज फिर्मली entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present day Punjab. तो सिर्फ जयपुर और लखनऊ में नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा फैल गए बाद में अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, और मतलब काफ़ी पॉपुलर ये हो गया. एम्फेसिस वॉज लेट ऑन द ऑन इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क. तो बहुत तेज से पैरों को चलाया जाता है, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स, बड़ी मस्ती, सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनी जाती हैं, एज वेल एज ऑन द एनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज. तो स्टोरीज को भी एनेक्ट किया जाता है. कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वॉज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी. 19th-20th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि है ये क्या अजीब सी चीज़ कर रहे हो, तो पसंद नहीं किया अंग्रेज़ों ने इसको. हाउएवर इट सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म बाय कोटीसंस, मतलब जो वैश कोटीसंस जो होती है ना, प्रोस्टिट्यूट्स या वैश्या जो होते हैं, वो इसको काफ़ी परफॉर्म करते थे. बट मतलब उस चीज़ से हटा दिया जाए तो काफ़ी एक अच्छी डांस फॉर्म ये है. वन ऑफ द हमारे देश की जो क्लासिकल फॉर्म्स है ना डांस फॉर्म्स, उसमें से ये एक है. वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो 6 क्लासिकल डांसेज हैं, उसमें से एक कथक भी है. क्लासिकल डांसेज क्या हैं? द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. तो कोई चीज़ क्लासिकल है तो आप उसको कैसे डिसाइड करोगे? डू वी डिफाइन समथिंग एज अ क्लासिकल इफ़ इट डील्स विद रिलीजियस थीम, क्या वो धर्म से रिलेटेड है तो हम क्लासिकल कहेंगे, या फिर क्लासिकल कहेंगे क्योंकि वो रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग. बहुत सालों से ट्रेनिंग के बाद कोई चीज़ किसी ने एक्वायर करी है तो हम उसे क्लासिकल कहेंगे, या फिर मतलब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट मेनी डांस फॉर्म दैट आर क्लासिफाइड एज फोक ऑल्सो शेयर सेवरल ऑफ द करेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड ऑफ क्लासिकल. तो जो फोक डांस होते हैं, जो रीजनल डांस होते हैं, उनको मतलब उनमें भी काफ़ी सारी क्लासिकल वाली करेक्टरिस्टिक होती हैं. तो मतलब बेसिकली आप कुछ भी कर लें तो क्लासिकल और फोक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता सकते हैं. फिर भी देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासिकल डांस हमारे देश में हैं. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरला का, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड मणिपुरी मणिपुर. ये सारे डांस फॉर्म इन इन जगह के हैं. और कथक को आप यूपी का डांस कह सकते हैं. तो देखिए अब आगे का जो है ना चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे. ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.